In this video, we are going to do this question, which is sort array of 0, 1 and 2. So, इसमें क्या होता है? हमें एक array given होता है and उसका size n है. और जो elements हैं, वो या तो 0 है, या 1 है, या 2 है. इसको हमें sort करना है in the ascending order. ठीक है? तो, simple है, right? Sort the array in ascending order. केवल ये भी question होता तो हम कर देते, right? इन्होंने तो constraint ही put करें कि elements को restrict करा दिया. तो generally sort operation जो होता है, that is order n log n, right? तो वो हम कर सकते हैं डायरेक्टली सॉर्ट फंक्शन लिख सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट अप्रोच व्हिच आई हैव शोन कि सॉर्ट ए टू ए प्लस एन ये काम कर देगा. ठीक है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन. कंस्ट्रेंट में देखोगे इट इज आस्किंग फॉर लीनियर अप्रोच. ठीक है, लीनियर सॉर्टिंग के अभी हमें काफी तरीके बताए हैं, काउंट सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, मतलब यू नो ये, और ये नंबर ऑफ जब एलिमेंट लिमिटेड होते हैं तो हाँ हम काउंट सॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट, कि एरे बना दिया 0 1 2 का और फिर हमने देख लिया कि कितनी बार 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है. बट एक चीज ये है कि हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज नहीं करनी है, दैट्स ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज ऑल्सो फाइन. तो एक सेकेंड अप्रोच बता दूं जो कि बहुत ही ईजी और लॉजिकल है, इट्स लीनियर एल्गोरिथम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम क्या करते हैं, एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे और नंबर ऑफ जीरोस को काउंट स्टोर कर लेंगे, काउंट ऑफ वन स्टोर कर लेंगे, काउंट ऑफ टू स्टोर कर लेंगे. तो तीन वेरिएबल मैंने क्रिएट करे, तीनों के अंदर काउंट स्टोर है, जीरो का, वन का और टू का. इसके बाद मैं एक और बार लूप चलाऊंगा, आइट्रेट करूंगा अपने एरे के ऊपर और मैं बेसिकली उसमें जीरो एरे को मॉडिफाई करूंगा कि एरे में जो भी पड़ा हुआ, जैसे जीरो पड़ा हुआ, ठीक है, तो जीरो कुछ जगह जीरो ही रहना चाहिए. अभी ये सेकंड जीरो है, मेरे को पता है कि दो जीरो होने चाहिए, तो शुरू के दो प्लेसेस में एरे में जीरो होना चाहिए. ये जो टू है ये गलत लिखा हुआ है, तो टू को ओवरराइट कर दूंगा, मैं जीरो लिख दूंगा. अब मेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये वाला जो टू है, ये वाला टू कहाँ जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए या लास्ट इंडेक्स पे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो नहीं सोचना मेरे को. मेरे को जीरो पुट कर दिया, सेकंड पुट कर दिया जीरो. अब मेरे को पता है दो जीरो हो गए मेरे, खत्म, चलो हो गया. अब बारी आएगी वन की, तो वन कितना है, एक होना चाहिए, तो एक मैंने वन पुट कर दिया. ठीक है, अब बारी आएगी टू की, दो टू है, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे दो टू पुट कर दो. तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सिंपल है कि हमने पहले सेकंड अप्रोच है कि जीरो काउंट बना लिया, पहला आइटरेशन में हमने काउंट स्टोर करा दिया कि सी जीरो सी वन सी टू. उसके बाद हम सेकंड आइटरेशन कर रहे हैं, उसमें हमने चेक करा कि इंडेक्स अगर सी जीरो से छोटा है तो सबको जीरो बनाओ, अगर वो सी जीरो से छोटा नहीं है और वो सी वन प्लस सी जीरो से छोटा है, इसका मतलब वो सी जीरो से सी वन प्लस सी जीरो के बीच में, यू नो मिडल ऑफ द थिंग्स, दिस आर गोइंग टू बी वन, एंड आफ्टर दैट राइट मोस्ट पार्ट हमारा टू होने वाला है, तो जस्ट एल्स में टू कर दो. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ बिग इफ कंडीशन मैंने else if और else का यूज करा है. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग. बट अब इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर अप्रोच है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ऑर्डर ऑफ एन टाइम, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ टू एन टाइम और तीन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, स्पेस भी हमारा ऑर्डर ऑफ एन है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं. और ये बिल्कुल इसके लिए कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है और ये पास हो रहा है और सबमिट हो रहा है, मैंने चेक कर लिया. बट अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम काफी स्टैंडर्ड है और ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, और इसके लिए एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि द पर्सन विल से डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, इफ नॉट डायरेक्टली देन इवेंचुअली लाइक ऐसे ऑप्टिमाइज करके हम एट द एंड डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम बताएंगे. सो दिस इज द कोड ऑफ डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम. इफ यू हैव नॉट हर्ड इट, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्टैंडर्ड एल्गोरिथम आई वुड से. बस इसकी ये बात है कि ये बहुत इंट्यूटिव है और बहुत लॉजिकल है, यू नो. अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होती तो आई वुड हैव सेन कि अगर समबडी इज कमिंग अप like for the first time with this kind of approach, with like I'm not saying with this same approach for the same problem, like but ऐसे काफी problem हो सकते हैं, you know, similar जिसके लिए हमें एक अपनी algorithm design करनी पड़े. So that is what about it कि let's see इसको एक dry run के through देखते हैं कि अगर हमारा 0, 1, 2 कुछ भी मैं random array मान रहा हूँ. ठीक है, okay 1, 2 and 1. ठीक है, so this is the array. तो इसमें हम डेस्टिनेशन फ्लैग एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, तो इसमें हमारे दो चीज होती हैं, फर्स्ट इज एल पॉइंटर एंड सेकंड होता है मेरा राइट पॉइंटर, और एक होता है करंट पॉइंटर जो कि जीरो से स्टार्ट करता है. तो इसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जैसे जीरो की जगह टू करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, राइट, या वन से स्टार्ट करते हैं फिर जीरो पर जाते हैं. तो ठीक है, जब वन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड, तो जब जीरो होता है तो हम क्या कहते हैं कि the zeros, all the zeros should be placed on the leftmost part. ठीक है, तो मैं swap करता हूँ current value को और left value को. left मैंने pointer store करा रखा है, तो जो भी अगर left पे value पड़ी है तो मैं उसको swap करूँगा. तो अभी मैं swap करूँगा, कोई sense है इस बात की, क्योंकि l भी same है और cr भी same है. ठीक है, तो अभी स्वैप करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो हम स्वैप करेंगे और ए जीरो को ए जीरो से स्वैप करा, सेम रहेगा. बट जब जीरो पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो मेरा एल आगे बढ़ता है. ठीक है, मीन्स कि एल आगे बढ़ा, इसका मतलब कि ये है, इससे लेफ्ट पार्ट में सारा जीरो है, विच इज ट्रू.
जीरो है, जब मेरे को वन मिलता है तो मतलब बेसिकली हमारा अप्रोच ये है कि जैसे हम जीरो को देखेंगे, जीरो को भेजो लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे, लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे भेजने का ट्राई करो कि लेफ्ट मोस्ट एरिया में भेजो, ठीक है, नॉट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट बनाओ बट द लेफ्ट मोस्ट एरिया में भेजो कि एक रेंज है एरिया। और अब ये मेरे को पता है ये ऑलरेडी जीरो है, तो नेक्स्ट अगर जीरो मेरे को मिलेगा तो आई विल ट्राई टू कि ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर जीरो मेरे को मिल रहा होता तो मैं ट्राई करता कि थर्ड पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि आई नो इससे पहले सारा जीरो 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 है, तो जितने नंबर ऑफ मेरे जीरोज होते हैं उस हिसाब से मेरा एल आगे बढ़ता रहता है कि यार एल ये बताता है कि इससे पहले जो भी है वो सारा जीरो है, आर मेरे को ये बताता है कि इसके बाद में जो भी है वो सारा टू है। अभी ना ही मेरा आर तो ठीक नहीं है क्योंकि आर मेरा वन पे है, स्टैंडिंग है, तो दिस इज नॉट गुड। तो अभी हम देखते हैं कि ये आर को कैसे मॉडिफाई करेंगे, बट अभी जीरो के साथ ऐसा हुआ है कि जीरो से हम आगे बढ़ गए फिर वन पे आ गए, तो जब भी जीरो देखेंगे टू पुश इट इनटू द लेफ्ट पार्ट, वन देखेंगे तो डू नथिंग। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज टू पे जब हम जब टू देखेंगे तो पुश इट इनटू द राइट पार्ट, तो जीरो को हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं, टू को हम राइट में ले जा रहे हैं, तो वन को सो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वन अपने आप में मिडल में आ जाएगा, ठीक है, मिडल में ले जाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हम जीरो को इधर लेफ्ट कर रहे हैं टू को राइट कर रहे हैं, तो वन कोई मत छेड़ो, वन के लिए आगे बढ़ जाओ सिंपल। बट अभी एल चेंज नहीं होगा, जैसे वन है तो तुम्हारा एल इंक्रीमेंट नहीं होगा, एल तब इंक्रीमेंट होता है जब कोई जीरो इस पोजीशन पे आ रहा होता है, ठीक है, और अभी करंट वन हुआ तो वन है, अगेन आगे बढ़ जाओ, फिर टू आया तो करंट इक्वल टू टू है, ठीक है, और मेरा राइट मोस्ट यहाँ पे था, तो टू को मैं बोलूंगा कि भाई तुम राइट मोस्ट पॉइंट पे जाओ, मतलब राइट मोस्ट पार्ट पे जाओ, ठीक है। अभी करंटली राइट मोस्ट पार्ट यही है कि वो इस इंडेक्स पे आने का ट्राई करेगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये इंडेक्स मेरा टू है या नहीं है, इस केस में नहीं है जो कि बिल्कुल मतलब होना चाहिए यहाँ पे टू, तो मैंने टू को स्वैप करा सी आर को और आर को स्वैप करा, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने मतलब तीनों ही चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं आई थिंक नाउ, कि जीरो पे मेरे को क्या करना है, सी आर और एल को स्वैप करना है, एल आगे बढ़ेगा क्योंकि एल वाली पोजिशन अब जीरो बन चुकी है, ठीक है, और सी आर इक्वल टू वन है तो मतलब वैल्यू अगर वन है तो मेरे को बस आगे बढ़ना है, ठीक है। अब अगर वैल्यू टू है तो मेरे को क्या करना है, स्वैप करना है सी आर और आर को, ठीक है, और मेरे को आर को माइनस माइनस करना है, क्यों, क्योंकि आर जो था वो अब टू हो चुका है, अब आर माइनस माइनस पाएंगे, और जब आर माइनस वन होगा तो इससे आगे जो भी है आर है वो मतलब इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आई नो दैट वो तो पक्का टू है, ठीक है, बट सी आर की वैल्यू क्या होगी जब मैंने टू से स्वैप करा, ए आर की वैल्यू के बराबर होगी। अब ए आर की वैल्यू क्या थी, ए आर की वैल्यू नॉट, ऐसा नहीं है कि वो जीरो थी या वन थी, यू नो क्या वैल्यू थी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस केस में अगर मैं स्वैप कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू वन आ रही है, ठीक है, ये टू है, टू बन गया, ठीक है। तो अब ऐसे तो हम ये कह रहे हैं कि जब जीरो आता है तो स्वैप करो और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ एल में भी और आर में भी, बट यहाँ पे क्या हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी मेरी जब यहाँ पे स्वैप करके जो वैल्यू आई है, इन दिस केस इट इज वन, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं, जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती थी, क्या ये टू हो सकती है, हाँ ये टू भी हो सकती है, कैसे टू कैसे हो सकती है, कि मान लो यही आ रहे हैं, अभी मैं करंट यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा लेफ्ट ये है, मेरा राइट अभी मैंने मतलब ऐसे तो अगर मैंने ऑपरेशन कर दिया तो मेरा राइट चेंज हो गया होगा माइनस पे, बट मैं कह रहा हूँ कि चलो अभी ऑपरेशन नहीं हुआ क्योंकि पहले यहाँ पे वैल्यू वन पड़ी थी, अभी अगर मान लो यहाँ पे टू ही पड़ा होता तो मेरा राइट मोस्ट पार्ट तो मेरे को थोड़ा सॉर्टेड दिख रहा है, राइट कि ये तो चलो टू ही है, तो मेरा एक्चुअली राइट यहाँ पे होना नहीं चाहिए, राइट यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज आई नो कि इससे बाद में तो टू है ही है, तो वो एक्चुअली इनिशियली हमें तो नहीं पता, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा जब हम टू देखेंगे यहाँ पे, टू को टू से स्वैप करेंगे, टू से स्वैप करो कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार में, राइट को एक माइनस कर दिया, इट मींस कि चलो अब टू है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे अभी भी टू का ही है क्योंकि स्वैप करा तो ये चीज यहाँ पे उठ के ही, बट वो ऑलरेडी टू था, तो अब क्या मैं करंट को आगे बढ़ा दूं और ऐसे आगे भाग जाऊं जीरो पे, भाग जाऊं जीरो पे जाऊंगा तो वो किसी तरह से चलो ठीक है, जीरो को जीरो इधर कहीं ले जाएगा और वन यहाँ पे आ जाएगा और चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे वन आ गया और यहाँ पे एल की जगह जीरो बन गया और फिर तुमने एल को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और राइट को तो राइट अभी टू पे ही है, ठीक है, राइट टू पे क्यों होगा, राइट यहाँ पे है, ठीक है, है ना, राइट यहाँ पे आ गया था, हाँ ये चीज गलत है ना, मतलब ये चीज हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अब इस केस में ये टू कभी नहीं सॉर्ट हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वन के बाद तुम आगे बढ़ जाओगे और इन टू के बाद पीछे आने का कोई मोटिव मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो पे थे, ऐसा कुछ था सिनेरियो कि अभी मैं जीरो वैल्यू बनी है यहाँ पे, ठीक है, बट मैंने अभी इससे पहले चलते हैं क्योंकि यहाँ पे तुम टू छोड़ नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम टू छोड़ नहीं सकते कि जैसे ये टू है यहाँ पे टू है और तुमने स्वैप करा कि टू का टू ही रह गया, ठीक है, और तुम आर को माइनस माइनस कर दिया और तुम सी आर को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक ये वैल्यू टू है, तो इसलिए जब तक ये वैल्यू टू होगा तब तक मैं सी आर को आगे माइनस माइनस नहीं करूँ, सी आर को प्लस प्लस नहीं करूंगा, ठीक है, एल से बाद ये टू है तो मेरे को पता है कि अभी अभी मेरे को गारंटी नहीं है कि अब ये नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है यहाँ पे ए आर वो टू है जीरो है वन है, अगर वो जीरो होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वन होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, अगर टू होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो टू का चेंज ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, वन ना हो जाए, या फिर
या फिर जब तक आर मेरा यहाँ तक ना आ जाए, क्योंकि अगर ये सारे ही टू होते तो धीरे धीरे करके आर भी यहाँ पे आ जाता, ठीक है, कि चलो इसको स्वैप करो तो भी टू का टू ही रहेगा। तो अभी आर इक्वल टू सी आर हो गया, तो ये मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है कि भाई इसके बाद तुम नहीं चल सकते, ठीक है, क्योंकि आई नो कि सी आर आर के बाद जो भी राइट मोस्ट पार्ट है वो सारा टू है, वो सॉर्टेड है, और यहाँ तक मैं करंटली ले आया हूँ, तो मतलब ये पूरा सॉर्ट हो चुका है कि ये लेफ्ट पार्ट भी सॉर्टेड है, राइट पार्ट भी सॉर्टेड है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि हमने टू आ गया था पहली, ये पहली बार में ही आ गया था ना, आर की वैल्यू ये थी, हमने स्वैप करा आर को माइनस, हम सी आर को आगे नहीं बढ़ा रहे क्योंकि हम कह रहे हैं कि टू चेंज हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ऐसा होगा कि आर यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। बट जैसे कि यहाँ पे कहीं पे जीरो था तो मतलब वो स्वैप होता और आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो और टू स्वैप होता, ठीक है, कि मान लो ये टू टू है और सेम सेम रह गया, फिर आर को माइनस माइनस करा, अभी भी टू है, तो अब मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा, जीरो करूंगा, टू करूंगा और आर को माइनस माइनस करूंगा, और बस यहाँ पे मेरा आर को माइनस माइनस करा, क्या मेरा सी चेंज हुआ, सी आर अभी आगे बढ़ा, नहीं सी आर आगे नहीं बढ़ा, सी आर अभी भी यहीं पे है, अब जीरो पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो जीरो यहाँ पे जाएगा और वन यहाँ पे आएगा और अब सी आर आगे आगे बढ़ेगा। तो जब आर इक्वल टू सी आर है तब भी तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन द वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर बेस्ड ऑन द वैल्यू यहाँ पे टू है तो टू और टू आपस में स्वैप होगा, क्योंकि देखो टू है तो फिर आर और सी आर में स्वैप होगा, अगर वन है तो कुछ नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा और इसके बाद ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब अभी भी वैसे सॉर्टेड ही है, बट अगर ये जीरो हुआ और यहाँ पे वन हुआ, इसका मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे वन है, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अभी जैसे ये सॉर्टेड नहीं है, बीच में वन खड़ा है, क्योंकि हो सकता है कि वन नहीं होता तो ये सॉर्टेड होता, तो आर एंड इक्वल टू सी आर पे इट इज नॉट श्योर, तो ये भी इंक्लूड करना है, और इसके बाद ऑपरेशन होगा तो फिर वन अपनी जगह पे आएगा, जीरो अपनी जगह पे जाएगा और सी आर आगे आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे। तो मेन मोटिव ये है कहने का कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी टू को स्वैप करने के बाद, सी आर की वैल्यू टू थी, ए आर की वैल्यू पता नहीं, ए आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जीरो आएगा तो हम जीरो लिखेंगे, बट सी आर को अभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, पहले परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, उसके बाद हम सी आर को आगे बढ़ाएंगे। अगर वन आया तो भी मतलब हम ऑपरेशन तो कर ही रहे ना, ऑपरेशन उसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑपरेशन है ही नहीं काइंड ऑफ, बस सी आर को आगे बढ़ाना है इज द वन थिंग। तो ये चीज है कि जब मतलब टू आ रहा है तो हमें सी आर को प्लस प्लस नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि जो कमिंग वैल्यू है ए आर की वो टू हो सकती है अगेन, और मैं चेक करूंगा कि अब उस टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, अगर रिप्लेस नहीं होगा तो वो यू नो वो आर की वैल्यू अपने आप डाउन हो के वहां पे आ जाएगी, और उसके बाद एट लास्ट या तो ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, डच नेशनल फ्लैग, बट मेन मोटिव यही कि इट्स अ टू पॉइंटर अप्रोच एंड इसको विजुअलाइज करना है तुम्हें सी आर को, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकिंग कंडीशन की, जब तुम्हारा आर इज लेस देन करंट पॉइंटर इज लेस देन आर, बिकॉज वी नो कि आर के बाद, और एक चीज ऑब्जर्वेशन ये है कि लेफ्ट से पहले जो होगा वो जीरो होगा, आर के बाद जो होगा वो सारा टू होगा, और जीरो पे हमें स्वैप करना है उसको लेफ्ट पार्ट में भेजना है, टू पे स्वैप करना है राइट पार्ट में भेजना है, वन पे हमें कुछ नहीं करना आगे बढ़ना है। तो दिस वॉज वन थिंग, बट मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट थिंग है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यहाँ पे सी आर प्लस प्लस नहीं होगा, जब तुम टू पे ऑपरेशन करोगे तो केवल आर माइनस माइनस होगा, जो नई वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि या तो ऑपरेशन होके आगे बढ़ेगा या तो बिना ऑपरेशन, मतलब या तो वन होगा तो बिना ऑपरेशन के आगे बढ़ गया, राइट, और अगर दोबारा टू आ रहा है तो फिर सेम चीज होगी कि मतलब ऑपरेशन होगा बट सी आर की वैल्यू स्टिल वहीं पर अटकी रहेगी जब तक वहां पे टू की जगह हट नहीं जाता, या फिर जब आर और सी आर मैच नहीं कर जाते, ठीक है, या फिर आगे मतलब हाँ मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता कि आगे बढ़ जाए, राइट। चलो ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, सबमिट कर देते हैं। As you can see, all the test cases are getting passed. ठीक है, so this was our thank you guys. Bye.